हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अलग तरीके से बनने वाली एक परोर की सब्जी की एक डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम इस सब्जी को पोस्तो यानी कि खसखस के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो इसके लिए सामग्री मैंने लिया है परोर, खसखस यानी कि पोस्तो और कुछ हरी मिर्च, जिसे मैंने मिडल से कट लगा लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परोर को लेंगे और उसके छिलके को हम उतार लेंगे। तो दोस्तों, सभी परोर के छिलके हमने निकाल लिए हैं और इसे अच्छे से साफ पानी से वॉश करके इस तरह से काट कर तैयार कर ली हूं। आगे के स्टेप में हम लेंगे कढ़ाही। कढ़ाही में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो तेल हमारी जो है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाला काला जीरा, जिसे मैंने अच्छे से 10 से 15 सेकंड के लिए चटकने दिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को डालकर मैंने इसे चला लिया। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ परोर को। तो दोस्तों, सभी परोर को मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया। चलिए अब इसे हम चला लेते हैं और अब इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल ले। नमक को मिलाकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस से 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों, 1 से 1.5 मिनट हो गई है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ पोस्तो का पेस्ट। तो दोस्तों, पोस्तो में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, उसे ही मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया। चलिए अब इसे हम एक बार चला लेते हैं और अब इसका हम लीड लगा लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो दोस्तों, 3 से 4 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोलकर देखते हैं। देखिए, सब्जी ने कितनी पानी छोड़ दी है। इसमें हमें एक्स्ट्रा से पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। 2 हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो मिडिल से कट लगाई हुई है। इसे डालकर हम वापस इसे ढक लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों, 3 से 4 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोलकर देखते हैं। वापस से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा चीनी ऐड कर रहे हैं, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। चीनी को ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों, 2 से 2.5 मिनट हो गया है। चलिए अब इसे हम चला लेते हैं और अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर गार्निशिंग दे देंगे। तो धनिया पत्ता को डाल लेने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसी तरह से चलाते हुए 1 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। तो दोस्तों, ये सब्जी तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस सब्जी को बनाना कितना आसान है, तो आप इस आसान रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभवों को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।